हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, झरहट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, निर्जला एकादशी, इस दिन आप किन चीजों का दान करें जिससे आपको अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होगी, आइए जानते हैं। आज दोस्तों निर्जला एकादशी जो कि 23 जून को मना रहे हैं, इसे भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से साल भर की एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाता है। सबसे कठिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। भगवान विष्णु को यह एकादशी बहुत प्रिय थी। इस दिन स्नान, दान और व्रत का बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन व्रत रख कथा सुनने से निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन लोग जल दान करते हैं, ज्येष्ठ की तपती धूप में सड़कों पर मीठा जल और शरबत भी पिलाते हैं। इसके अलावा भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं इस व्रत की कथा और इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए, आइए जानते हैं दोस्तों। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप दिन रात करते रहना चाहिए। गोदान, वस्त्र दान, छत्र, जूता, फल आदि का इस दिन जरूर दान करें। दोस्तों, इस दिन बिना पानी पिए जरूरतमंद आदमी को हर हाल में शुद्ध पानी से भरा घड़ा यह मंत्र पढ़कर दान देना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, देव देव हृषिकेश संसार वर्तारक उदकुंभ प्रदानेन नया मा परमाम गतिम। दोस्तों, इस मंत्र का जाप कर आप जरूरतमंद आदमी को पानी से भरा हुआ घड़ा अवश्य दें। दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ है कि संसार सागर से तारने वाले देवों के देव हृषिकेश इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराई। दोस्तों, तो हमने आज आपको बताया कि इस दिन किस चीजों का दान करना चाहिए और किस मंत्र को पढ़कर आप भरे हुए घड़े को दान करें जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।